चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही ख़त्म। अपोजिशन अरकान तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का मुतालबा करते रहे। डिप्टी स्पीकर का कहना था कि मेरा ख्याल है कोई भी वक्फा सवालात के लिए संजीदा नहीं। इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो आइंदा के दिन मुश्किल होंगे। वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना को धमकी आमेज खत दिखा दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से 14 सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात। हुकूमत का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को बंद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म का NCOC की क़यादत और टीम को खराज तहसीन। असद उमर ने कहा NCOC की सरबराही करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसास है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चीनी स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा चीनी क़यादत ने कर्ज़ों की तशदीद पर अमादगी का इजहार किया है। 48 घंटे अहम, कोई चीज़ फाइनल नहीं, सियासत नया रुख इख्तियार कर सकती है। शेख रशीद को इत्मीनान। अपोजिशन का स्पीकर पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला। PTI से नाराज़ 3 ग्रुपों का मुश्तरका इजलास। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स With Allstate। कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर राब्ता कीजिए। इतवार को अदम एतमाद पर वोटिंग में मुल्क की सिमत का फैसला होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब के दौरान मुस्ताफी होने से साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं कौम को किसी के सामने किसी भी कीमत पर नहीं झुकने दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि धमकियां में इस खत में लिखा गया है कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इतवार को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। तहरीक अदम एतमाद पर जो भी फैसला हो ताकतवर होकर वापस आऊँगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि धमकी आमेज खत में कहा गया कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म रहे तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सरकारी टीवी के जरिए कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुझे कौम से अहम बात करनी है। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मेरा ये खिताब बराह रास्त है जिसका मकसद कौम को एतमाद में लेना है। इमरान खान ने कहा कि हमारे मुल्क पर बैरूनी ताकतें असरअंदाज होती हैं। मैंने फैसला किया कि इक्तदार में आया तो हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी एक आज़ाद पॉलिसी होगी जो कि पाकिस्तानियों के लिए होगी,
वो पॉलिसी जो हमारे मफादात पर मबनी होगी। इमरान खान ने कहा कि किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह का हमें पैगाम आया है, एक वजीर आजम के खिलाफ दरअसल वो पूरी कौम के खिलाफ है। उन्हें पहले से पता था कि अदम एतमाद की तहरीक आने वाली है। दरअसल ओपोजिशन पहले से ही बाहर के लोगों से रابطے में थी। ये लोग सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हैं। कहा जाता है कि अगर इमरान खान चला जाए तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे, अगर ये तहरीक फेल हो जाती है तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये कौम ना ये भूलेगी, ना आपको माफ करेगी, ना जो लोग आपके पीछे उनको माफ करेगी। और ये अगर आपका किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, किसी खुशफहमी में ना रहे। मेरे में अल्लाह ने मुकाबला करने की सलाहियत दी है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को क्या पैगाम मिल रहा है, कोई नहीं मान रहा कि शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान नजरियाती लोग हैं। ये सब लोग अपने जमीन मुल्क का सौदा कर रहे हैं। जो लोग अपना सौदा करके मुतहदा ओपोजिशन की सफ़ों में बैठे हैं, वो याद रखें, लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। आप बैरून मुल्क साजिश का हिस्सा बने हैं, कोई भी आपको माफ़ नहीं करेगा। मैं साजिश के खिलाफ खड़ा रहूँगा। ये हमेशा के लिए लोग याद रखेंगे कि आपने अपने मुल्क का सौदा किया, एक बैरून मुल्क साजिश जो यहाँ लोगों के साथ मिलके एक वो गवर्नमेंट जिसकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी थी उसको गिराने की कोशिश की गई, ये कोई आपको माफ नहीं करेगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के हवाले से पार्लियामेंट का इजलास 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली का अहम इजलास शुरू होते ही चंद मिनट में ख़त्म हो गया। वक्फ सवालात में अरकान अदम एतमाद पर वोट का मुतालबा करते रहे, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास एतवार तक मुलतवी कर दिया और बहस ना हो सकी। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत 1.25 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। कौमी असम्बली इजलास शुरू होते ही हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हुकूमत की जानिब से मुशीर पार्लिमानी उमूर ने कौमी असम्बली इजलास के हॉल को पार्लिमानी सलामती कमेटी इजलास के लिए मांगा, ताहम उन्हें कामयाबी ना हुई। अपोजिशन ने कसरत राय से हुकूमत की तहरीक मुस्तरद कर दी, जिसमें डिप्टी स्पीकर ने कौमी सलामती कमेटी के लिए कमेटी नंबर 2 में इजलास मुनक्किद करने का ऐलान कर दिया। स्पीकर ने वक्फ सवालात शुरू किया और अरकान से कहा कि एजेंडे की कार्रवाई के मुताबिक सवालात करें, जिस पर एक के बाद एक रुकन खड़े हुए और उन्होंने एक ही सवाल किया कि स्पीकर अदम एतमाद की वोटिंग कब कराएंगे। वक्फा सवालात में पैदर पे हर रुकन की जानिब से वोटिंग कब कराएंगे के सवाल पर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि लगता है कोई भी रुकन संजीदा नहीं है, इसलिए इजलास 3 अप्रैल बरोज इतवार 11:30 बजे तक मुलतवी किया जाता है। इजलास मुलतवी होने की वजह से वजीर आजम के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर बहस शुरू ही ना हो सकी। इजलास ख़त्म होने के ऐलान पर ओपोजिशन अरकान ने ऐवान में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की, दहस बजाए और अपने अरकान की गिनती की। इजलास ख़त्म होने के बावजूद शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल समेत 150 ओपोजिशन अरकान ऐवान के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने इजलास से जाने के बजाय तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 14 सीनियर सहाफ़ियों से खसूसी मुलाकात के दौरान धमकी आमेज ख़त के चंद मंदरजात बताए। ख़त के मतन में कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो पाकिस्तान के लिए मसाइल कम होंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अरशद शरीफ के मुताबिक ख़त के मतन में कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो पाकिस्तान के लिए मसाइल कम होंगे। हम खुश नहीं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो सब ठीक होगा, अगर इमरान खान वजीर आजम रहे तो आइंदा के दिन मुश्किल होंगे। अरशद शरीफ के मुताबिक ख़त में तहरीक अदम एतमाद का मुतअद्दिद बार जिक्र किया गया है। ख़त में वजीर आजम के दौरे रूस पर भी तश्वीश का इजहार किया गया। ख़त किस मुल्क से आया, किसने लिखा, ये नहीं बताया गया। ख़त के मंदरजात में हुकूमत की तब्दीली की बात की गई, पाकिस्तान को खुली धमकी दी गई। ख़त में खारजा पॉलिसी और मुस्तकबिल के ताल्लुकात को जोड़ दिया गया। वजीर आजम ने मुलाकात में कहा कि धमकी आमेज ख़त अस्करी हुक्काम से शेयर किया जा चुका है, पार्लियामेंट में इन कैमरा सेशन में ख़त सामने रखा जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट इन कैमरा सेशन में मंदरजात सामने लाएंगे। ख़त के मंदरजात आवाम के सामने भी रखूँगा। मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान से सवाल किया गया कि आपके अदम एतमाद में बचने के कितने फ़ीसद चांसेज हैं।
इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि हमारे बचने के 80% चांसेस हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने धमकी आमेज खत काबीना अराकीन को दिखा दिया। खत के मामले पर कौमी सलामती इदारों के सरबराहान को भी एतमाद में लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की चाल को आलमी साजिश करार देते हुए कहा कि मैंने हर मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला किया है। वाज़ह रहे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लिया है, जिसकी तौसीक राबता कमेटी की जानिब से की जा चुकी है। दूसरी जानिब अलीम खान ग्रुप ने पंजाब के वजारत आला के लिए काफ लीग के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को वोट देने से इनकार कर दिया है। आलमी वबा कोरोना के खिलाफ कामयाबियां समेटने वाले इदारे NCOC को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खराज तहसीन पेश किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंसदादे कोरोना के लिए तश्कील दिए गए इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का आज आखिरी दिन, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और NCOC के सरबरा असद उमर की जानिब से भी बयान जारी किया गया है। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम को NCOC के बंद किए जाने की इत्तला दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वबा से निमटने के लिए कौमी तआवुन और पेशावराना उमूर पर NCOC की टीम और क़यादत को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वबा के नतीजे में हमारे काम को आलमी सतह पर सराहा गया। दूसरी जानिब NCOC के सरबरा असद उमर ने भी इस हवाले से एक ट्वीट की, जिसमें बताया गया कि आज NCOC के ऑपरेशन का आखिरी दिन है। असद उमर ने बताया कि कोरोना वायरस की शरह मुसलसल कम है और वैक्सीनेशन की शरह बुलंदतरीन सतह पर है। असद उमर ने कोरोना वबा के दौरान NCOC की सरबराही को अपने लिए एजाज करार दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुझे वाज़ह पैगाम मिला है कि चीन माजी में भी पाकिस्तान का बाएतमाद काबिले भरोसा साथी रहा है और हमेशा रहेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में मुनक़िदा अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के तीसरे इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की हुआंगशान में चीनी स्टेट काउंसिलर और वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ्फुज़ किया है और आइंदा भी करेगा। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि उन्हें उनके हम मनसब ने बताया कि हमने चीन से कर्जों के रोल ओवर की दरख्वास्त की थी, जिस पर चीन की क़यादत ने आमादगी का इजहार कर दिया है और अब मुख्तलिफ प्रोसीजर कार्रवाइयाँ मुकम्मल की जा रही हैं, जिसके बाद उसका ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि डीजल की आलमी सतह पर क़िल्लत का इम्कान है और चीनी क़यादत ने यकीन दिलाया है कि वो पाकिस्तान की ज़रूरियात का ख्याल रखेगा और पूरी मदद देगा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा स्ट्रेटजिक इक्तिसादी और सिक्योरिटी तआवुन पर तबादला ख्याल किया और आलमी वबा अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत सियासी इस्तेहकाम और समाजी इक्तिसादी तरक्की के लिए मुसलसल हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। शेख रशीद का कहना था कि हालात पर गहरी नज़र है और सियासी हालात के मुताबिक फैसला करूंगा। आइंदा 48 घंटे अहम हैं। इस्लामाबाद में गहमा गहमी है, अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई। कौम जुमे और हफ्ते की रात तक इंतजार करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेख रशीद ने कहा कि रूल्स और तरीक़ा कार के मुताबिक गवर्नर वजीर आला को बुलाकर इस्तीफे की तस्दीक करता है। तस्दीक के 2 से 3 रोज़ बाद इस्तीफ़ा मंजूर हो जाता है। मुत्तहिदा ओपोजिशन ने पहले ही वजीर आला के लिए अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान कर रखा है। ज़राए का कहना है कि कायद हिजब इख्तलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने पार्लिमानी पार्टी के अहम रहनुमाओं को मुसविदा तैयार करने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक मुसविदा तैयार होते ही कायद हिजब इख्तलाफ हमजा शहबाज को पेश किया जाएगा। हतमी मंजूरी के बाद तहरीके अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में पेश होगी। मूडीज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पाकिस्तान में पॉलिसी के तसलसल पर सवालिया निशान है। तहरीके अदम एतमाद हुकूमत के रिफॉर्म्स मुतारिफ कराने की सलाहियत पर असरअंदाज होगी। रेटिंग एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि बैरूनी फंडिंग के हुसूल में तहरीके अदम एतमाद रुकावट होगी और IMF से फंडिंग के हुसूल में दुश्वारियां रहेंगी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। शाहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दूं। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान। शाम राणा
टैग टीवी पाकिस्तान। वजीर आजम मुखलिफ किया गया, लेके आएंगे तरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टैग टीवी पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टैग टीवी पाकिस्तान।